राइस ट्रांसप्लांटर की सहायता से साफ सुथरे ढंग से और कुशलतापूर्वक धान की रोपाई की जा सकती है, लेकिन इस्तेमाल में लाई जाने वाली नर्सरी राइस ट्रांसप्लांटर के उपयुक्त होनी चाहिए, जिससे कि रोपाई सुचारू रूप से हो सके और बढ़ोतरी में बाधा ना आए। यहां हम संक्षेप में राइस ट्रांसप्लांटर का इस्तेमाल कर रोपाई के लिए नर्सरी का प्रबंधन करने की विधियों और बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नर्सरी के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली मिट्टी तैयार करें। एक सीडलिंग ट्रे के लिए लगभग 4.3 लीटर मिट्टी की जरूरत पड़ती है। इस्तेमाल में लाई जाने वाली मिट्टी के लिए या तो पहाड़ी मिट्टी या धान के खेत की मिट्टी इस्तेमाल में लाएं। जिस खेत में सब्जियां उगाई गई हैं, उस खेत की मिट्टी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस प्रकार की मिट्टी में जीवाणुओं की भरमार होती है। पहाड़ी मिट्टी इस्तेमाल में लाने के लिए सबसे पहले ऊपरी परत हटाकर अलग कर दें। मिट्टी की ऊपरी परत इस्तेमाल में ना लाएं, क्योंकि इसमें जीवाणुओं की भरमार होती है। धान के खेत की मिट्टी इस्तेमाल में लाने की स्थिति में खरपतवार और पुआल आदि के कचरे से मुक्त मिट्टी इस्तेमाल में लाएं। मिट्टी अच्छी और पूरी तरह से सूखी होनी चाहिए। मिट्टी सूख जाने के बाद बड़े ढेलों को तोड़कर मसल दें। इसके बाद मिट्टी के बड़े ढेलों, कंकड़ पत्थर या लकड़ी आदि के टुकड़ों को हटाने के लिए 4 से 6 मिलीमीटर की जाली वाली छलनी से मिट्टी को छान ले। छलनी से छनी हुई मिट्टी को किसी बोरी में रखकर शीट से ढक दे, जिससे कि ये गीली ना होने पाए या उसमें कंकड़ पत्थर या धूल आदि ना मिल जाए। अब आइए नर्सरी तैयार करने की विधि पर एक नजर डालें। नर्सरी के लिए इस प्रकार के धान के खेत का चयन कीजिए, जिससे आसानी से पानी निकाला जा सकता है। जुताई कर मिट्टी तोड़ने और सतह को समान रूप से समतल बनाने के लिए रोटरी टिलर का इस्तेमाल करें, नहीं तो नर्सरी की बढ़ोतरी एक समान नहीं होगी। इस प्रकार के खेत का इस्तेमाल करने से बचें, जिसमें सब्जियां उगाई गई हैं, क्योंकि इस प्रकार के खेत की मिट्टी में जीवाणुओं की भरमार होती है। नर्सरी को सुगमता पूर्वक पानी देने के लिए नर्सरी के दोनों तरफ नालियां बनाएं। अब आइए धान के बीजों को तैयार करने की विधि पर नजर डालें। अनुशंसित या किसी प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा गारंटी शुदा धान के बीजों का इस्तेमाल करें। घर पर रखे धान के बीजों का इस्तेमाल करते समय विशिष्ट गुरुत्व चयन के अनुसार बीजों का चयन करें। इस तरह आप सबसे अच्छे बीजों का चयन कर पाएंगे, जिससे नर्सरी की एक समान बढ़ोतरी सुनिश्चित होगी। इससे आप बीजों को धूल मिट्टी, पुआल के मलबे और खरपतवारों से भी मुक्त कर सकते हैं। धान के बीजों को पानी में भिगो दीजिए। कुछ बीज पानी में डालते ही नीचे बैठ जाएंगे, जबकि अन्य सतह पर तैरते रहेंगे। इस बात की पूरी संभावना होती है कि तैरने वाले बीज भरे हुए नहीं हैं या अंकुरित नहीं हो सकते हैं। एक जालीदार टोकरी से उन्हें छान कर निकाल लें और बुवाई के लिए उनको इस्तेमाल में ना लाएं। नमकीन पानी का इस्तेमाल करने से चयन और ज्यादा बेहतर हो सकता है। 10 लीटर पानी में 1.5 किलोग्राम नमक मिलाकर नमकीन पानी तैयार करें और विशिष्ट गुरुत्व समायोजित कर 1.08 पर रखें। धान की संकर और बासमती किस्मों के लिए ताजे पानी में, न कि नमकीन पानी में, बीजों का चयन किया जाना चाहिए। नमकीन पानी का इस्तेमाल कर चयन करने के बाद नमक की सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्रा भी हटाने के लिए बीजों को अच्छी तरह से ताजे पानी से धोएं। नमक की थोड़ी सी भी मात्रा बची रहने पर बीजों को नुकसान पहुंच सकता है। अब धान के बीजों को पर्याप्त मात्रा में पानी सोख लेने दें, जिससे कि बुवाई के बाद अंकुरण और बढ़ोतरी को बढ़ावा मिले। इस चरण को बीज भिगोना कहा जाता है। जालीदार थैलियों में धान के बीजों को बांट दें, जिससे कि धान के बीज समान रूप से पानी सोख ले। बांटने के बाद धान के बीजों को पानी में डालकर अंकुरण होने की प्रतीक्षा करें। दिन में 2 बार पानी बदलना सुनिश्चित करें। पानी नहीं बदलने पर धान के बीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे वे अंकुरित नहीं हो पाएंगे।
अगर कोई जल स्रोत उपलब्ध है तो निरंतर पानी दिया जा सकता है। धान के बीजों द्वारा पर्याप्त पानी सोख लिए जाने और इस तरह फूल जाने पर बीज भिगोने का काम पूरा हो जाता है। बहुत ज्यादा अंकुरण न होने पाए इसको लेकर सावधानी बरतें। धान के अंकुर लगभग 1 मिलीमीटर हो जाने पर बुवाई के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं। अंकुरित न होने वाला या बहुत ज्यादा अंकुरित हो गया धान उचित रूप से उग नहीं पाता है। धान के बीजों का अंकुरण पूरा होने पर उन्हें छाया में सुखाया जाना चाहिए। धान के बीजों को विनाइल की शीट पर फैलाकर छाया में सुखा ले। धान के बीज उपयुक्त रूप से सूखे हैं या नहीं ये जानने के लिए उन्हें अपने मुट्ठी में बंद कर फिर उसे खोले। कई बीज आपकी हथेली से चिपक जाने चाहिए। अब आइए बुवाई की प्रक्रिया पर एक नजर डालें। यहाँ कुबोटा हाथ से बुवाई करने वाली मशीन से बीजों की बुवाई करने की विधि बताई गई है। सीडलिंग ट्रे के दोनों तरफ लगी पटरियों पर बुवाई करने वाली मशीन को धकेल कर बीजों की बुवाई कर उन्हें मिट्टी से ढकने का काम किया जा सकता है। चौक और लकड़ी जैसी सामग्री से इस प्रकार पटरियां बनाए कि उनकी चौड़ाई सीडलिंग ट्रे की चौड़ाई के अनुरूप हो। इस चित्र में अनुशंसित लंबाई चौड़ाई दर्शाई गई है। बोए जाने वाले बीजों की मात्रा तय करने के लिए पहले परीक्षण के तौर पर बुआई की जानी चाहिए। सीडलिंग ट्रे में तैयार की गई मिट्टी भर ले। स्मूदिंग प्लेट की 10 मिलीमीटर किनारी के साथ क्यारी की मिट्टी 20 मिलीमीटर की मोटाई तक समतल करें। इस बात का ख्याल रखते हुए सावधानी बरतें कि किनारों पर मिट्टी का स्तर बढ़ जाता है। किसी भी बीज को छलक कर गिरने से रोकने के लिए कतार की शुरुआत और अंत में खाली ट्रे रख दें। अगर पटरियों के लिए लकड़ी के फ्रेम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो सीडलिंग ट्रे की दोनों तरफ एक एक लकड़ी का लट्ठा रखें। अब बारी आती है पानी देने की। पानी की बौछार करने वाले वाटरिंग कैन का इस्तेमाल करें। जब तक कि सीडलिंग ट्रे की निचली सतह तर नहीं हो जाती है सिंचाई करते रहें। दिशा निर्देशों के अनुसार प्रति ट्रे 1 से 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। धान के बीजों की बुवाई करने के लिए पटरियों पर बुवाई करने वाली मशीन को आगे बढ़ाएं। विषमता से बचने के लिए स्थिर गति से आगे बढ़ें। तेज गति से चलने पर कम बीजों की बुवाई होती है और धीमी गति से चलने पर अधिक होती है। अगर कोई क्षेत्र बीज रहित रह जाता है तो वहां हाथ से बुवाई करें। धान के बीजों को मिट्टी से ढकने के लिए बुवाई करने वाली मशीन पर दोलन करने वाली प्लेटें लगाएं। हॉपर को मिट्टी से भर दे। बीजों वाली ट्रे पर उन्हें मिट्टी से भरने के लिए बुवाई करने वाली मशीन चलाएं। धान के बीजों को कई बार मिट्टी की परत से तब तक ढके जब तक कि बीज नजर आना बंद ना हो जाए। विषमता से बचने के लिए स्थिर गति से चले। इसके बाद अभी तक जो क्षेत्र मिट्टी की परत से नहीं ढक पाया है उस पर हाथ से मिट्टी डालें, जैसे कि सीडलिंग ट्रे के किनारे वाले हिस्से। हाथ से ट्रे के किनारों से मिट्टी साफ करें। अब बीजों की बुवाई का काम पूरा हो गया है। अधिक प्रभावशाली नर्सरी के लिए कुबोटा द्वारा स्वचालित सीडर मशीन भी पेश की गई है। स्वचालित सीडर मशीन इस्तेमाल में लाने की विधि के बारे में विस्तृत निर्देश के लिए वीडियो मैनुअल देखना अच्छा रहेगा। बुवाई पूरी हो जाने के बाद
15 से 20 गर्री की ऊंचाई में सीडलिंग ट्रे करीने से ऐसी जगह पर रखें जहां समुचित ढंग से अंकुरण का प्रबंधन किया जा सकता है। इन्हें उलटने पलटने की कोशिश ना करें। ऊपर मिट्टी या किसी भारी वस्तु से भरी एक खाली ट्रे रख दें। इसके अलावा गर्री लगाकर रखी गई सभी सीडलिंग ट्रे जाल से ढक दें, जिससे कि चूहों और अन्य जंतुओं से उन्हें बचाया जा सके। अंकुरण की क्या स्थिति है, इसकी जांच करने के लिए जाल को उठाकर गर्री लगाकर रखी गई ट्रे को खोलकर देखें। सभी नर्सरी की ऊंचाई लगभग 5 मिलीमीटर हो जाने पर अंकुरण पूरा हो जाता है। अंत में यहाँ बुवाई बाद प्रबंधन के संबंध में कुछ अनुशंसाएं की गई हैं। सभी नर्सरी की ऊंचाई लगभग 5 मिलीमीटर हो जाने पर सीडलिंग ट्री नर्सरी क्षेत्र में ले जानी चाहिए। अधिक लंबी आंखें मुड़ सकती हैं और रोपाई में गड़बड़ हो सकती है। अपूर्ण या असमान अंकुरण होने पर रोपाई बाद नर्सरी की जगह खाली रह सकती है। दो तरीकों से नर्सरी का प्रबंधन किया जाता है, एक धान के खेतों में और दूसरा खुले खेतों में। सबसे पहले आइए धान के खेतों में नर्सरी प्रबंधन पर एक नजर डालें। नर्सरी क्षेत्र में सीडलिंग ट्रे को क्षैतिज रूप से रखा जाना चाहिए। जरूरी लगने पर जमीन की सतह को समतल किया जाना चाहिए। सीडलिंग ट्रे रखने के बाद इससे पहले कि क्यारी की मिट्टी सूखे उसमें से पानी बहने दें। ट्रे कभी भी पानी में डूबनी नहीं चाहिए, बल्कि ट्रे के नीचे से पानी रिसकर आना चाहिए। इन्हें डुबाने से बढ़ोतरी कम या असमान हो सकती है। पानी से भरी नर्सरी में रखते समय भी सीडलिंग ट्रे कभी भी डूबनी नहीं चाहिए। अब आइए खुले खेतों में नर्सरी प्रबंधन पर एक नजर डालें। खेत में सीडलिंग ट्रे की कतार लगाते समय उन्हें क्षैतिज रूप से रखा जाना चाहिए। जमीन की सतह समतल नहीं होने पर जमीन की सतह एक समान रूप से समतल की जानी चाहिए। सीडलिंग ट्रे की कतार लगाने के बाद नर्सरी सूखने से पहले सावधानी पूर्वक नर्सरी पर पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए। पानी ट्रे के नीचे से रिसकर आना चाहिए, लेकिन ये काम पूरी सावधानी बरतते हुए करें, जिससे कि लापरवाही या बहुत अधिक पानी देने के चलते क्यारी की मिट्टी और नर्सरी नष्ट ना होने पाए। इस बात का ध्यान रखें कि नर्सरी सूखकर मरने ना पाए, लेकिन बहुत अधिक पानी देने से नर्सरी कमजोर पड़ जाएगी। बहुत ज्यादा सूखा होने से बचाने पर ध्यान देते हुए नर्सरी को ठीक से पानी दे। नर्सरी की पत्तियों को धूप से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए और अचानक बारिश द्वारा नर्सरी को बहा ले जाने से बचाने के लिए नर्सरी की सभी ट्रे को जाली से ढक कर रखें। नर्सरी की ऊंचाई 10 से 15 सेंटीमीटर हो जाने पर और पत्तियों की संख्या 2 से 2.5 हो जाने पर नर्सरी ट्रांसप्लांटर से रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। नर्सरी को खेत में ले जाएं जिसमें उन्हें लगाया जाना है। नर्सरी का न तो ढेर लगाएं न ही नर्सरी को लपेटें, नहीं तो रोपाई विफल हो सकती है। रैक का इस्तेमाल कर नर्सरी को सावधानी पूर्वक ले जाएं। आपने अभी जाना कि राइस ट्रांसप्लांटर्स के लिए उपयुक्त नर्सरी उगाने की विधि क्या है। ट्रांसप्लांटर के लिए उपयुक्त स्वस्थ नर्सरी का पोषण कर आप धान की अच्छी नर्सरी उगा सकते हैं और राइस ट्रांसप्लांटर के कई फायदों का पूरा इस्तेमाल कर भरपूर पैदावार की अपेक्षा कर सकते हैं। ये काम करने के लिए आपको उत्तम नर्सरी प्रबंधन में महारत हासिल करनी होगी।